नमस्कार दोस्तों, आज हम एक शब्द की चर्चा कर रहे हैं। वो शब्द है आपदा में अवसर। ये वर्ड शब्द इस समय आम लोगों की चर्चा में है और ये आपदा में अवसर शब्द एक वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया था। वो क्यों दिया था ये बात तो मैं बाद बताऊंगा, पहले इस बात को बताना चाहता हूं कि जिन लोगों ने इस आपदा में अवसर के मायने बदल दिए वो किस तरह से बदल दिए। अगर हम बात करें, एक सबसे छोटी इकाई, एक सब्जी वाला भी, बहुत सारे सब्जी वालों की बात नहीं करता, एक सब्जी वाला भी सोचता है कि मेरी सब्जी इस समय महंगी बिक जाए, भले ही वो कम में खरीद के लाया या उसने प्रोडक्शन आप किसी भी कीमत पर किया। वजह, इस आपदा में उस अवसर को तलाशना जिससे उसको अधिक इनकम हो जाए। अब इससे ऊपर की बात करें, इस समय मेडिकल का सबसे क्राइसिस टाइम चल रहा है, उस पर भी जबकि कहा जाता है कि मेडिकल लाइन से जुड़े लोग ईश्वर के वरदान के रूप में हैं क्योंकि वो लोगों की जान बताते हैं, लेकिन वहाँ पर भी आपदा में अवसर की तलाश करते हुए बहुत सारे मेडिकल स्टोर्स हों या इक्विपमेंट्स की सप्लाई करने वाले लोग हों, वेंडर्स हों, सभी लोग क्राइसिस के टाइम पर आपदा में अवसर तलाश रहे हैं। जिस दवा की कीमत एक रुपया सपोज है, उसको किस तरह से हम अधिक कीमत पर बेचें, इस पर दिमाग लगा रहे हैं। बहुत सारे लोग तो ऑक्सीजन सिलेंडर को किस तरह से कैप्चर करके हम मार्केट में अधिक दामों पर बेचें, इस पर दिमाग लगा रहे हैं। इस आपदा में अवसर को तलाश रहे हैं जिससे उनको अधिक इनकम हो जाए। क्या इसी कल्पना से मोदी जी ने बोला होगा आपदा में अवसर की बात? अब अगर हम और आगे जाते हैं कि जो भी हॉस्पिटल्स हैं उन्होंने भी इस आपदा में अवसर को तलाशा। कैसे? अभी कुछ दिन पूर्व आपने पढ़ा होगा और सुना भी होगा कि योगी जी ने एक हॉस्पिटल पर छापा डाला जिस पर सभी बेड भरे थे जबकि वो वहां पर मरीज नहीं थे। वजह, एक सीधा सा सिंपल है कि फेक आईडी पर उन लोगों को पॉजिटिव दिखा करके भर्ती किया गया जो लोग एक्चुअली वो कोविड पॉजिटिव नहीं थे, और बेड बुक करके ये दिखाने दिया गया कि हमारे यहाँ कोई बेड अवेलेबल नहीं। लेकिन अमीर लोग, पैसे वाले लोग या मजबूरी से पहुँचने वाले लोग जिनके पास पैसा नहीं है, फिर भी अपने मरीज की जान बचाने के लिए उन्होंने किसी तरह से कलेक्शन करके कैश में पैसा लेके पहुँच जाइए, सारे हॉस्पिटल खाली हैं। यानी वहाँ पर भी आपदा में अवसर तलाशा जा रहा है। जहां पर किसी की जान बच सकती थी लेकिन नहीं बचाई जा रही, अवसर की तलाश में हम अधिक कमाने की तलाश में आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब और ऊपर चलते हैं, बात करते हैं राजनीतिक पार्टियों की, जहां पर इस मुसीबत पर राजनीति कर रहे हैं, वहां पर भी इस आपदा में ऐसे अवसर तलाश रहे हैं कैसे हम सत्ता पक्ष को घेरें या हम अपने आप को बड़ा दिखाएं कि हम इस समाज के इस आपदा में उनके साथ हैं। क्या क्वेश्चन लगाने से आप उनके साथ हो जाएंगे? इतने पूर्व मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, चाहे अखिलेश यादव हों या सोनिया गांधी हों या कोई भी हो, मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा, लेकिन सभी लोग सिर्फ क्वेश्चन लेटरबाजी के अलावा कुछ नहीं कर रहे। क्या यही आपका काम था? आपने अनुभव अच्छे थे, आपके उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने भी काम किया है, क्या उन्होंने अपने अनुभव बांटे कि हम किस तरह से इस इंफ्रास्ट्रक्चर को और अच्छा कर सकते हैं जिससे जल्दी से जल्दी लोगों को सुविधा मुहैया हो सके? बजाय इसके हमने हर बार इसको टोकना शुरू कर दिया कि आपकी सरकार में ये चीज़ें नहीं हो रही। उनके पास इतने संसाधन हैं, उनके पास भी इतने, विपक्षी पार्टियों के पास भी इतने ऑप्शंस हैं कि वो मदद कर सकते हैं लोगों की, लेकिन वहां पर भी उन्होंने आपदा में अवसर तलाशा। सत्ता पक्ष ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी इस आपदा में अवसर की। किसी पक्ष की विपक्ष की बात ना करते हुए मैं फिर वहीं आ रहा हूं कि इस महामारी के टाइम पर जो लोग भी इस आपदा में अवसर तलाश रहे हैं, इसकी कल्पना प्रधानमंत्री जी ने नहीं करी थी। हर देशवासी अब इस संकल्प से भी भरा हुआ है कि इस आपदा को
इस आपदा को अवसर में परिवर्तित करना है। जो शब्द निकल के आया इसकी वजह से नहीं निकला था वो, अब मैं आता हूं वही पॉइंट पर। ये शब्द निकला था इस वजह से कि पिछले वर्ष जब लॉकडाउन के टाइम पर कुछ लोगों ने इस आपदा में अवसर को देखते हुए लोगों की मदद के लिए या नए आयाम खड़े किए थे, नए बिजनेस खड़े किए थे, कुछ ऐसे बिजनेस जिसके माध्यम से लोगों तक अच्छी सुविधा मुहैया हो सके, लोगों की मदद हो सके और हमको दो पैसे बच भी सके, ना कि इसके लिए कि हम इस अवसर को किस तरह से प्रॉफिट में बदल लें। तो इस आपदा में अवसर तलाशने वाले इस दुनिया में बहुत लोग हैं, लेकिन फिर भी अगर वो अभी भी संभल जाएं, आने वाला समय हमारा बेहतर हो सकता है। अभी मैं चलते चलते एक बात और बोलूँगा उस आपदा में अवसर की, क्योंकि पीएम केयर फंड से, अभी पंजाब की न्यूज़ आ रही है कि पीएम केयर फंड से वहाँ पर बहुत सारे वेंटिलेटर सप्लाई किए गए, लेकिन बहुत सारे वेंटिलेटर्स वहाँ काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो स्वदेशी है। ये बात वहाँ के मुख्यमंत्री ने स्वयं बोली, और स्वदेशी होने के साथ साथ उसका रिपेयरिंग मैनेजमेंट नहीं है प्रॉपर। बात आई किस कंपनी ने दिया है, उस कंपनी के ऊपर दावा ठोकना चाहिए कि ऐसा क्यों सप्लाई किया है, लेकिन वो स्वदेशी कंपनी, उन्होंने बिना प्रॉपर प्लानिंग के सप्लाई कर दिया, या उनके पास एक्सपर्टाइज नहीं था, या उन्होंने जानबूझकर ऐसे खराब चीज़ें बनाई। तो क्या आत्मनिर्भर भारत की कल्पना अगर हम करते हैं तो क्या ऐसे ही हमारा आत्मनिर्भर भारत बनेगा, जो हम लोग सोचते हैं कि हम एक एंटरप्रेन्योर बने, एक अच्छे उद्यमी बने, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि अच्छी सोच और नीयत, तभी हम एक अच्छे उद्यमी भी बन सकते हैं, एक अच्छे आत्मनिर्भर भारत की कल्पना कर सकते हैं। वरना आपदा में अवसर तो यूं ही चलता रहेगा और ज़िंदगी यूं ही आगे बढ़ती रहेगी। नमस्कार।